दोस्तों, अगर आप एक टैक्सी चालक हो तो आपने जाहिर सी बात है, आप ओला उबर में काम कर रहे होंगे या किसी भी टैक्सी टूर एंड ट्रैवल कंपनी में काम कर रहे होंगे और टैक्सी चला रहे होंगे। तो दोस्तों, मोस्टली मैं हमेशा बात करता हूँ ओला उबर के ड्राइवर से रिलेटेड ही, और आज उनके लिए ही एक ऐसी वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें आपको सिर्फ जानकारी मिलेगी। और काफी भाई ओला उबर से अटैच है, ओला उबर के अलावा भी और कंपनी बहुत सारी मार्केट में है, बट जो ट्रेंडिंग कंपनी है वो ओला उबर ही है। और इसके साथ में बीच में अभी कुछ महीने पहले मतलब एक समझ लीजिए साल भर हो गया है, इनड्राइव आ गई है। इनड्राइव के बाद अब इसी टैक्सी बिजनेस में रैपिडो ने भी अपने हाथ आजमाए हैं और उसका बिजनेस बहुत अच्छा तरीके से सेट भी हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी वो इस लाइन में थी। बाइक टैक्सी की किंग है रैपिडो, और उसको कस्टमर बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, ऑलरेडी उसके कस्टमर बने हुए थे। जो बस उन्होंने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन में रैपिडो में डाल दिया कैब सर्विस अवेलेबल है, तो जो राइडर वो बाइक टैक्सी बुक करता था उनको अगर कैब से जाना है तो कैब बुक करने लगे। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आज काफी ड्राइवर भाई काम तो करते हैं पर उस काम का उनको मेहनत का पैसा नहीं मिल पाता। तो मेहनत का पैसा क्यों नहीं मिल पाता, इतनी सारी एप्लीकेशन है, इतनी सारी एप्लीकेशन में नए नए जो ड्राइवर भाई आते हैं जो इस लाइन में जुड़ते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में हम तीन चार एप्लीकेशन है और इनमें तीन चारों में से कौन सी एप्लीकेशन को हम ज्यादा यूज करें, कौन सी एप्लीकेशन को कम करें, कौन सी एप्लीकेशन को किस टाइम यूज करें, उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा किस एप्लीकेशन से, मतलब किस कंपनी में ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो पहला सवाल यही है कि ड्राइवर भाइयों के मन में यही शंका है, देखिए हर कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है चाहे कैसे भी हो, बट देखिए मेहनत तो करते ही है बट मेहनत का हमें फल नहीं मिल पाता। हम जैसे ओला उबर में चलाते हैं तो आपको तो पता है इन कंपनियों में कमीशन तो आज तक अभी तक कम नहीं हुई है और बढ़ती ही चली गई है। ठीक है, मुझे 7 साल हो चुके हैं, 7 साल पहले भी जितनी अर्निंग होती थी वही अर्निंग आज भी होती है, बट डिफरेंसेस हो जाता है खर्चों का। खर्चे कैसे होते हैं दोस्तों, जो सीएनजी जब मैंने खरीदी थी 38 रुपए सीएनजी थी, 36 रुपए प्राइस था सीएनजी का 2016 में, वही बढ़ के आज 76 चल रही है यहाँ पर दिल्ली में। और अभी 10 रुपए पहले रूस यूक्रेन का जब वार हुआ था तब वो 10 रुपीज और इंक्रीज हो गए, 84 तक प्राइस पहुंच गए थे, वो तो 10 रुपीज कम हुए हैं तब जाके ये 76 पे आई है। तो अब आप देखिए जो अर्निंग पहले हुआ करती थी तो वही अब हो रही है, और पहले सीएनजी लगती थी सिर्फ 500 रुपए में 3,000-3,500 तक का काम हो जाता था, अब ये हाल है कि 1,200 रुपए की सीएनजी लग रही है तब जाके हमारा 3,000 तक का काम हो रहा है। तो डबल खर्चा हो गया है, तो खर्चे डबल हो गए हैं और हमें कम मिल रहे हैं, और कमीशन भी इनकी बढ़ गई है। पहले 20% होता था, आज की तारीख में आप किसी का भी बिल उठा लो, ओला का उठा लो, उबर का उठा लो, दोनों में 30 से 35, किसी में 40, किसी में 45, मतलब अपने मन के राजे हैं ये कंपनी। ठीक है, इनसे अगर हम पूछते हैं ना कस्टमर सपोर्ट में बात करके कि भाई ये ऐसा क्यों है, इतना आपने कस्टमर से चार्ज लिया इतना, तो इनका रिप्लाई बस यही होता है कि सर आपको आपका किलोमीटर मिल गया है, हमने राइडर से क्या चार्ज किया है क्या नहीं चार्ज किया ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें रिवर्ट देखने को मिलता है कंपनी के सपोर्ट केयर से। तो अब हम लोग भी लड़ लड़ के परेशान हो चुके हैं और मजबूरी में ही इन कंपनियों के साथ अभी जुड़े भी हुए हैं, और कोई ऑप्शन नहीं दिखता, इस वजह से हमें मजबूरन चलाना पड़ रहा है। और साथ साथ हमारा जो एसोसिएशन है वो थोड़ा सा एक साथ नहीं है, एक साथ हो तो बहुत चीजें सुधर सकती है, बट कोई चाहता नहीं है, सब अपने में मस्त है। क्योंकि हम ड्राइवर देखिए, ड्राइवरों ने हमेशा जब भी कुछ भी स्ट्राइक्स वगैरह हुई है या कुछ भी एनीथिंग ड्राइवर से रिलेटेड हुआ है तो ड्राइवरों ने अपना साथ दिया है एसोसिएशन को, बट उस साथ का ना कुछ फायदा नहीं मिलता। कुछ वही होता है कि जब हम स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक के दौरान कुछ ड्राइवर पार्टनर भाई गाड़ी चला रहे होते हैं तो जिसकी वजह से उस हमें सक्सेस नहीं मिल पाता। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ भी अगर चेंज कराना हो तो एसोसिएशन को सबसे पहले एक साथ आना पड़ता है, उसके साथ ही किसी चीज में आप एक्टिव हो सकते हो, अदरवाइज ऐसे चलता रहता है और वही चीज अभी चल रही है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं, ये तो रही देखिए वो ये कि ड्राइवर की परेशानी है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सारी ड्राइवर से रिलेटेड ही बात करता हूँ। तो अभी हम बात कर रहे हैं
अभी नए ड्राइवर में है तो किस टाइमिंग पे कौन सी मतलब एप्लीकेशन को हम यूज करें। ठीक है दोस्तों, मार्केट में आपको पता है नई कंपनियां दो आ चुकी हैं, इनड्राइव है और रैपिडो है। इनड्राइव को तो तकरीबन सब बायकॉट कर रहे हैं कि वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो रेट बिल्कुल ही खराब कर दिया उसने मार्केट के। ठीक है, रैपिडो जो आया है, रैपिडो ने कम से कम रेट खराब नहीं किया, रैपिडो ने उसी ओला उबर से रिलेटेड ही रेट जो है कस्टमर का वही ले रहा है, प्लस एक बेनिफिट्स भी दे रहा है। अभी आपको बेनिफिट्स क्या दे रहा है, बेनिफिट्स यही दे रहा है कि अभी आपको 0% कमीशन चार्ज कर रहा है, जितना भी जो भी बिल अमाउंट है आपका पूरा का पूरा सेविंग आपकी है, मतलब चाहे कितना भी किलोमीटर के हिसाब से। जैसे हमें ओला उबर चलाते हैं हम, तो इसमें जो जितना वो होता है फेयर आता है उसका 5% हमें टैक्स काट के, सब कुछ टैक्स काट कूट के ये बताता है, और वही चीज रैपिडो में आपको ज्यादा मिल जाती है, 100-150 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं क्योंकि अभी वो कमीशन नहीं काट रहा है। तो अब बात कर रहे थे हम, हमें बेस्ट टाइमिंग पे कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी चाहिए, किस अर्निंग एप्लीकेशन को यूज करके मैं अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ। तो दोस्तों मेरा मानना यह है, अगर आप रैपिडो भी चला रहे हो, अगर आपके पास ओला उबर में है, ठीक है, तो सबसे पहले पीक टाइम पे आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रैपिडो को दो। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी रैपिडो को दो और तीनों खोल के तीनों रखो, रेट जिसमें अच्छा मिल रहा है। बट रेट देखिए, सुबह के टाइम में दिल्ली एनसीआर में कोई सर्ज नहीं मिलता, कुछ ही लोकेशन है जहां पर सर्ज लग जाता है, अदरवाइज रेट मतलब कोई खास नहीं मिलता। और रेट जो हमें मिलता है उसका टाइमिंग मैं बता दूंगा। तो फर्स्ट सुबह आप रैपिडो को प्रेफरेंस दो, अगर रैपिडो आती है आपके यहाँ, आप जहाँ रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, आपकी लोकेशन पे रैपिडो बसती है, तो रैपिडो को दो। उसमें क्या है कि उसमें आप 2-3 घंटे में अच्छी अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद जब ऑफ पीक होता है, ऑफ पीक में भी आप रैपिडो को ही ज्यादा वो दो, या फिर सुबह अगर आप उबर चला रहे हो तो रैपिडो नहीं आ रही तो उबर चला लो 2-3 घंटे, फिर उसके बाद 12-4 के बीच में आपको पता है बिल्कुल ऑफ टाइम हो जाता है, उस टाइम क्या है कि बुकिंग्स वगैरह भी कम होती है, रेट भी हमें कम मिलता है। तो ऐसे उसमें रैपिडो आपकी काम आएगी, रैपिडो में आपको पूरा का पूरा फेयर मिलेगा। और फिर शाम के 5 बजे दोस्तों उबर अपना प्राइस करता है चेंज, तो ये काफी भाइयों को नहीं पता है, जिसमें मैं बताया था 5 बजे से 8 बजे तक अपना प्राइस कुछ करता है वो चेंज। तो अगर आप 4:30 बजे तक हो लॉगिन, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आराम करो, ठीक है, एग्जैक्ट 5 बजे डिवाइस को खोलो, 3 घंटे उबर चलाओ, 3 घंटे में आपको उबर में भी 10-10 किलोमीटर में 200-200 रुपए मिलेंगे, 300 भी मिलेंगे, डिपेंड करता है कितनी डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस मतलब इन द सेंस 10 किलोमीटर में 200 मिल गए, 15 में 300 मिल गए, ऐसे ऐसे रेट भी मिलते हैं। तो 5-8 के बीच में चलाओ उबर, ठीक है। और कोशिश यही करो दोस्तों, रैपिडो अगर आप चला रहे हैं, देखिए आपको अर्निंग से मतलब है, आपको ये थोड़ी ना किसी कंपनी से प्यार थोड़ी ना, कंपनी तो आपका कमीशन काट ही रही है, जिसमें आपको बेनिफिट ज्यादा मिले उस कंपनी को आप यूज करिए। तो बेस्ट टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, आप रैपिडो को यूज करो, रैपिडो में 0% कमीशन है अभी, तो उसमें आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और जो भी भाई इस लाइन में अभी नए नए आए हैं तो उनके माइंड में बहुत क्वेश्चन होते हैं कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सीखते सीखते इंसान सीखता है, हर कोई पेट से तो सीख के नहीं आता, ठीक है, जब ठोकर लगती है तभी कोई चीज सीखने को मिलती है। तो अभी फिलहाल ठोकर नहीं लगानी, हमने काम देखना है, नए इस लाइन में तो हमें काम समझना है कैसे काम होता है कैसा नहीं काम होता, ठीक है दोस्तों। तो रैपिडो में आप ज्वाइन हो जाओ, अभी तक अगर आपने अटैच नहीं किया तो उसको भी अटैच करो। और बेस्ट टाइमिंग जो है दोस्तों, सुबह अगर आ रही है राइडे, सुबह आप उबर में भी चलाओ, ओला में भी चलाओ, रैपिडो में भी चलाओ, बट जिसमें रेट बढ़िया मिल जाए, ठीक है, उसमें आप चला लो। बट सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपको फायदा जो देगी वो रैपिडो ही देगी, क्यों, क्योंकि उसमें आपको कमीशन नहीं देना पड़ रहा है। इन कंपनी में आप चलाओगे तो सही, बट आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 30-35% जो इनका कमीशन चार्ज है वो कट के मिलेगा। हाँ, रैपिडो में आप चलाओगे तो रैपिडो में आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, आपके पास पूरी की पूरी इनकम आपके पॉकेट में सेव रहेगी, और इससे आपकी अर्निंग में भी ग्रोथ होगी, 15-20% ग्रोथ अर्निंग में भी होगी बाकी। और देखिए, अभी तो रैपिडो ये है कि दे रहा है, पर कब तक देगा ये भी हमें सोचने वाली बात है, पर फिलहाल तो अभी इसने मार्केट में पकड़ बना ली है अपनी,
ठीक है, और ओला उबर जब तक कमीशन नहीं कम करेगा तब तक मुझे लगता है काफी ड्राइवर भाई इसमें शिफ्ट हो चुके होंगे, जैसे कि मैं भी हो गया हूँ, रैपिडो से अटैच हो गया हूँ, तो रैपिडो में मैं भी खोल के रखता हूँ भाई, बुकिंग आती है तो कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो फायदा ही है कि हमें बिल्कुल भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक लाइक एक शेयर जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा शेयर करना, जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है मेरी वीडियो को और आगे पहुंचती है उन भाइयों को जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर रैपिडो में कितना काम है आज के टाइम में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।